मध्य प्रदेश पूर्व विद्युत वितरण क्षेत्र कंपनी लिमिटेड अधीक्षक अभियंता दमोह व्रत के निर्देश में विद्युत कर्मियों द्वारा सोमवार को तहसील मुख्यालय पर एक जागरूकता बाइक रैली नगर भ्रमण पर निकाली गई। इस दौरान रैली में लोगों को जागरूक और उपभोक्ताओं का अभिनंदन करते हुए उन्हें कई महत्वपूर्ण बातों से अवगत कराया गया। उन्हें तख्तियां लगाकर संदेशों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। अवसर पर विद्युत वितरण केंद्र प्रभारी एवं कनिष्ठ अभियंता संजय जैन ने कहा कि उपभोक्ताओं को विदित है कि कोविड 19 संक्रमण काल के दौरान विद्युत विभाग की राजस्व वसूली न हो जाने के कारण आर्थिक स्थिति पर विपरीत असर पड़ा है, जिसके कारण अनेकानेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आप सभी के सहयोग पर हमारी आर्थिक सुदृढ़ता निर्भर है। उन्होंने अपील की कि बिजली बिल का भुगतान प्रत्येक माह समय पर किया जाए। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी करने वालों को रोके टोके तथा इनकी सूचना नजदीकी वितरण केंद्र कार्यालय में दें। विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में लगे उपकरण लाइनों की सुरक्षा में सहयोग प्रदान करें एवं उपकरणों से छेड़खानी न की जाए। इस जागरूकता रैली में केंद्र प्रभारी संजय जैन, भाजपा मंडल अध्यक्ष जुगल शर्मा, विधायक प्रतिनिधि सहारा ठाकुर, तिलक सिंह, मयंक जैन, विद्युत कर्मियों में सुरेश साहू, बलदेव प्रसाद, गोपाल सोनी, संदीप पटेल सहित बड़ी संख्या में विद्युत कर्मियों ने वाहन रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। जबेरा से मयंक जैन की रिपोर्ट। आज जनजागरण रैली का आयोजन किया गया है। ये रैली संदर्भ में है कि उपभोक्ता बिजली का भुगतान समय पे करे, दूसरा विद्युत चोरी पे अंकुश लगाने के लिए जनजागरण रैली करी गई है, और तीसरा आजकल गर्मी का सीजन प्रारंभ हो गया है तो उपभोक्ता अपने फसलों को लाइन से दूर रखे, सभी को प्रेरित करने के लिए कि बिल समय पे जमा हो और विद्युत चोरी पे नियंत्रण हो, उसकी प्रवृत्ति से बचे, इसलिए आज जन जागरण रैली का आयोजन किया गया है।